हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इंफोसिस के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंफोसिस ने आज के 3 बजे के शिफ्ट में पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं और डिस्कस करते हैं क्या थे वो क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर था, फाइंड द पेयर ऑफ द नंबर्स दैट व्हेन इंटरचेंज विल मेक द इक्वेशन 25 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस बी इज इक्वल टू 14। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी और अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, सिर्फ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फ्रेंड्स, उन्होंने उसके लिए ऑप्शंस भी दिए गए हैं। हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी वो 4 ऑप्शन चेक करने हैं। मीन्स क्या करना है, उन 4 ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन को चेक करना है और फिर उनकी एडिशन 40 आती है क्या नहीं वो देखना है। उन्होंने फ्रेंड्स ऑप्शन दिए गए हैं 4, 9, 9, 8, 8, 12, 4, 12। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको कल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चूज़ दी ऑड नंबर फ्रॉम दी गिवन क्वेश्चंस। मीन्स फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पर हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन ठीक तरह से पढ़ते नहीं है और इसके लिए हमें आंसर्स नहीं आता। हमें सिंपली उन्होंने पूछा है कि ऑड नंबर्स बताओ और ऑड नंबर्स क्या है। तो फिर फ्रेंड्स, हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है 25, 125, 36, 126, 9, 27 एंड 46। मीन्स फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा 9, 26। बिकॉज फ्रेंड्स, 125 एंड 36, 126। मीन्स फ्रेंड्स, हियर इसका आंसर आ जाएगा 9, 27। कारण क्योंकि ये ऑड नंबर से। फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ प्लेन टी इज कोडेड एज अ 19, 36, 4, 42, 8, 16, देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ गैलेक्सी। एंड उन्होंने क्वेश्चन मार्क पर दिया गया है प्लेन। मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो गया है, प्लेनेट एंड गैलेक्सी, उनमें से क्या है, ए तो है, देन ए है, और उन्होंने क्या बताया है, उसका कोड 19, 36, 4, 42, 8, 16। और उन्होंने हमें गैलेक्सी का कोड पूछा है और उन्होंने ऑप्शन में क्या बताया है, 7, 1, 12, 1, 24, 25, और ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए। सो फ्रेंड्स, हमें इसके लिए एनालॉगी यूज़ करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको को तैयार रहना पड़ेगा। दे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड ऑन द सेम बेसिस टू देयर पेयर गिवन इन द क्वेश्चंस ए बी सी डी अप टू सी जेड ई बी एंड क्वेश्चन मार्क्स। फ्रेंड्स, हियर ए रिलेटेड टू क्या है, सी है, देन बी रिलेटेड टू क्या है, जेड है, ऐसा है क्या, नहीं है, तो फिर कैसा है, ए बी सी डी, और उन्होंने क्या बताया है, सी जेड ई बी। मीन्स फ्रेंड्स, हमें उसके लिए एनालॉगी यूज करनी होगी। और उसके लिए उन्होंने क्या ऑप्शन दिए गए हैं, हम उन ऑप्शन से इसको रिलेट करेंगे तो फिर हमें इजीली ऑप्शन आंसर्स पता चल जाएगा। उन्होंने ऑप्शन में दिया है HIJK, JHLM, MNOP, OLQN। मीन्स फ्रेंड्स, हमें इसके लिए उसका डिफरेंस देखना पड़ेगा, ए और बी में कितना है, सी और एच में कितना है, उसके बाद हमें उसका आंसर मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएगा अगर आपको एग्जाम कल है या परसों है, इसके लिए इसको ध्यान से जरूर देखना। उन्होंने क्या बताया है, मेल और फीमेल का रेशो बताया है और ऑप्शन दिए हैं 47, 43, 54, 43, 47, 66, 57, 37। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अगर ये क्वेश्चन है तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन जरूर से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर्स मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग सेंस। एंड उन्होंने क्या बताया, C3X, F6U, and then F9, I9R। मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ है, 3, 3 to 6, 6 to 9। इसका मतलब ऑप्शन में जहाँ पे 12 होगा तो हमें दूसरा ऑप्शन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम दूसरा लॉजिक लगेंगे। सो फ्रेंड्स, यह ऑप्शन में दो जगह 12 है, L12O and M12O। तो हमें इसके लिए दूसरा को एनालॉगी यूज करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और फ्रेंड्स, ये अभी 3 बजे के क्वेश्चन है, इसमें से सुबह के 10 बजे के क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं, इसके लिए आप सुबह के 10 बजे के क्वेश्चन भी देख लेना और ये 3 बजे के भी देख लेना। अगर आपको शिफ्ट कल सुबह है या फिर सुबह कल परसों है तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी और फायदेमंद है। इसके लिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखना, ऑप्शन देखना और उसका लॉजिक भी लगाना और ये सॉल्व करके देख लेना। इससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में टाइम बच जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।